मैं बिहार से हूँ और फिल्म देखी है, फिल्म बहुत अच्छी लगी मेरे ख्याल से। किसी भी फिल्म को प्रमोट करने का या उसका हिस्सा होने की लालच सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि फिल्म अच्छी है और ये प्रतिभाशाली नौजवान ये और भी अच्छी फिल्में बनाएंगे अपनी ज़िंदगी में, मगर शुरुआत बहुत अच्छी की है इन्होंने। सो जस्ट टू पुश इट फॉरवर्ड, जस्ट टू एनकरेज मोर एंड मोर पीपल टू वॉच दिस फिल्म विच आई हैव सीन एंड एंजॉयड एंड आई रिमेंबर ऑल्दो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई सॉ इट, दैट्स द रीज़न फॉर मी बीइंग। चीज़ ये है कि ये कोई इस पिक्चर पॉलिटिक्स पे बेस्ड है बट इसका कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम किसी को, ये लोग किसी को बेहतर या बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कभी कभी फिल्म बनाते हैं और जो चीज़ें आप न्यूज़पेपर में देखते हैं उस तरह की चीज़ें उसमें डाल देते हो, बट आपको मालूम होता है कि आप उसको रिप्लेस करो। बिहार की पृष्ठभूमि है, अब जैसे बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं पिछले कुछ सालों में भी जिसमें अगर वो जिस जगह की कहानी है तो पंजाबी बेस की कहानी तो पंजाबी गाने मिल ही जाएंगे, ठीक है। अभी एक इंग्लिश फिल्म आई थी उसमें मराठी फोक है, तो फिल्म जहाँ जिस पृष्ठभूमि की है वहाँ का कुछ ना कुछ डायलेक्ट, कुछ ना कुछ म्यूज़िक ज़रूरी है। सी आई थिंक इम्तियाज़ सही बोल रहे थे कि हाँ, इम्तियाज़ ने जैसा पॉजिटिव कहा ना, आई थिंक कोर्ट ने डिसाइड किया तो अच्छा ही डिसाइड किया होगा, सही डिसाइड किया होगा, बिकॉज आई ऑल्सो एग्री कि बहुत सारे लोगों को काम मिलता है और जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं देखते हैं ये सब बहुत ही आम बात है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो बहुत सारी लड़कियाँ थी जो करती थी डांस है, नोबडी इज़ फोर्सिंग दैम टू डू ऑल्सो, तो एक एम्प्लॉयमेंट तो मिलता ही है। सो आई थिंक वी शुड जस्ट गो अहेड एंड बड़े पैमाने पर सोच के, थाट को बड़ा रख के ये सोचना चाहिए कि लोगों को काम मिलता है।